हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डी टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं खीरे का रायता, जो बहुत रिफ्रेशिंग होता है, कूल होता है और गर्मियों के खाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये लिया है मैंने एक कप दही, सफेद नमक है, काला नमक है, एक हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लिया है, कटा हुआ हरा धनिया है, जीरा पाउडर है भुना वाला और रेड चिली पाउडर है। इन सबके साथ हम बनाएंगे एक बढ़िया सा रायता। और यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये मैं अपना धनिया और पुदीना जो है वो ऐसे एक टपरवेयर के बॉक्स में रखती हूँ, पेपर नैपकिन में पैक करके। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश रहता है और करीब 5 डेज इसको हो गए हैं रखे हुए। तो इसमें से हम गार्निश करने के लिए निकाल लेते हैं। एक दो पत्ता अगर आपको लगता है कि खराब हो गया तो आप उसको निकाल के फिर से इसको रख दीजिए, कुछ भी नहीं इसका बिगड़ता है। ठीक है, तो गार्निश करने के लिए हम थोड़ा सा निकालेंगे पुदीना और ये लिया है हमने धनिया। देखिए कितने अच्छे से फ्रेश धनिया जो रखा है और 5 डेज इसको हो गए हैं। निकालिए, तुरंत अपना यूज कीजिए और फिर से रख दीजिए। और ये है खीरा, मेन इंग्रेडिएंट्स मेन जो है इसका। इसको हम बीच में से ऐसे तोड़ लेंगे, फ्रेश होना चाहिए ये, और ऐसे इसको छील लेंगे। छीलने के बाद अब हम इस खीरे को ग्रेट कर लेंगे। आप काट के भी बना सकते हैं, पर एक बार ये ग्रेट किया हुआ कद्दूकस किए हुए खीरे से रायता खाकर देखिए। तो ये देखिए कितना ये रिफ्रेशिंग हो गया है। अब हम दही को डालते हैं इसमें बाउल में। अब हम दही को ऐसे मथ लेंगे विस्कर की मदद से, ये बिल्कुल स्मूथ हो जानी चाहिए। तो ये देखिए कर्ड जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो गया। देखिए अब हम इसमें डालेंगे खीरा, कुछ भी टाइम नहीं लगता है बनाने के लिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। अब हम डालेंगे इसमें कटा हुआ धनिया, ऑप्शनल है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। देखिए कितना कलर अच्छा आया है। काला नमक 1/4 टीस्पून, हरी मिर्च और नमक स्वाद के अनुसार, भुना जीरा थोड़ा सा हम गार्निश करने के लिए रखेंगे और 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ। रेड चिली भी ऑप्शनल है, ऊपर से गार्निश कर सकते हैं या फिर आप इसमें भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। और अब हम करते हैं इसको मिक्स। मैंने इसको ज्यादा खीरे का बनाया है और अगर आपने टोंड मिल्क से ये दही को जमाया है तो आप नमक कम कर दीजिए, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन वेट लॉस में भी है। ये देखिए कितना अच्छा है। तो आइए करते हैं इसकी प्लेटिंग। हमारा खीरे का रायता इतनी जल्दी बनकर तैयार है। तो अब हम इसको दूसरे बाउल में खाली कर लेते हैं। तो अब हम इसको करते हैं गार्निश। और कंसिस्टेंसी ना आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको अगर कम ज्यादा करना है, थिक कम रखना है तो आप पानी डाल दीजिए। इसको ग्लासेस में सर्व करना है पीने के हिसाब से तो और पतला कर सकते हैं। अभी मैंने रायते की तरह से किया है। तो भुना जीरा ऊपर से डालेंगे और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालेंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और अभी बिल्कुल गर्मियों में तो जरूर आपको लेना चाहिए। मैं यहां बताना चाहूंगी, अगर आप खीरा का रायता बना रहे हैं तो जरूर चेक कीजिए उसको कि कड़वा तो नहीं है, तभी आप रायता बनाइए, नहीं तो आपका सारा जो रायता है वो खराब हो जाएगा। और फ्रेश मिंट लीव से हम इसको करते हैं गार्निश। ये देखिए वंडरफुल। आई होप आपको ये पसंद आएगा मेरा रायता, और जरूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।